नमस्कार दोस्तों, धर्मार्थ लोक के नए वीडियो में आपका स्वागत है। समय बहुत बलवान है, जिसका घाव सबसे तेज होता है, और संसार में समय के इस घाव को कोई भी भर नहीं सकता। जीवन, मृत्यु, सुख दुख, लाभ हानि, हंसना और रोना सभी जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। हर इंसान के जीवन में अच्छा बुरा तो आता ही रहता है। यह सब समय के चक्र के कारण होता है। समय के सामने सबको कभी न कभी झुकना ही पड़ता है। समय का चक्र जब बदलता है तो उससे कुछ दिनों पहले से ही हमें तरह तरह के संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। उन संकेतों की जानकारी के अभाव में हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके जीवन में आने वाले अच्छे समय के बारे में पहले ही आपको बता सकते हैं। तो आइए बिना विलंब वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे प्रार्थना है कि ऐसी ही सामाजिक और धार्मिक विषयों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल धर्मार्थ लोक को जरूर सब्सक्राइब कर ले। हिंदू शास्त्रों में वर्णित एक कथा के अनुसार, एक दिन नारद जी भगवान श्री विष्णु से मिलने के लिए बैकुंठ धाम गए। उन्होंने भगवान से पूछा कि हे नारायण, कृपया कर यह बताइए कि क्या कोई किसी प्रकार से मनुष्य अपने जीवन में आने वाले शुभ समय के बारे में पहले से ही जान सकता है? यानी अच्छा समय आने से पहले क्या मनुष्य को कोई संकेत मिलते हैं? विष्णु भगवान ने नारद जी को बतलाया कि नारद, तुमने बहुत ही उत्तम और गुप्त बात पूछी है, तो सुनो। वह स्वयं मनुष्य के पास कुछ ऐसे संकेत भेजते हैं, जिससे मनुष्य अपने आने वाले शुभ समय के बारे में पहले से ही जान सकते हैं। ऐसे संकेत में प्रकृति द्वारा, पशुओं द्वारा तथा अन्य प्राणियों द्वारा अपने भक्तों के पास भेजता हूँ। इसके लिए मात्र मनुष्य को उन संकेतों को समझने की आवश्यकता होती है। वैसे तो बहुत से संकेत हैं, लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण संकेत हम आपको बता रहे हैं। पहला संकेत, यदि आप सुबह के 4:24 से 5:12 के बीच में जगते हैं और आपको ईश्वर स्मरण हो जाए और आपको ऐसा लगे जैसे आपको कोई किसी दिशा की तरफ ले जा रहा है, तो समझ लेना कि यह संकेत आपके लिए सफलता के नए द्वार खोलने वाला है। दूसरा संकेत, जब आपका मन अकारण ही प्रसन्न होने लगता है, आपका चेहरा खिल जाता है और मुस्कान से भर जाता है, आपको गुस्सा आना बंद हो जाता है। इस तरह के संकेत बताते हैं कि जीवन में खुशियां आने वाली हैं। ऐसे समय में हमें दुर्लभ चीज भी आसानी से मिल जाती है। प्रसन्न रहना भी एक शुभ संकेत माना गया है। तीसरा संकेत, अगर घर के द्वार पर गौ माता कुछ खाने को आ जाएं और गोबर कर जाएं, बिल्ली आपके घर में अपने बच्चों को जन्म दे दे, बंदर खाने की चीजें आपके घर से खुद उठा कर ले जाएं, या कोई पक्षी आपके घर के आंगन में ही अपना डेरा बना ले और चहचहाते रहे, ये सभी आपके लिए शुभ संकेत दर्शाते हैं। आपका आने वाला समय बहुत बलवान होने वाला है। आप अपने जीवन में योग्य पद पर पहुंचने वाले हैं। चौथा संकेत, आपके घर के छोटे बच्चे या छोटी कन्या या कोई अन्य शिशु यदि आपको बार बार देखकर मुस्कुराए, या आपके घर में इनका आगमन हो, या वह आपके आंगन में खुशी से खेले, तो यह भी बहुत शुभ संकेत माना जाता है। यह दर्शाता है कि आपका जीवन नई खुशियों से भरने वाला है और कुछ नए रिश्ते आपके जीवन में जुड़ने वाले हैं। पांचवा संकेत, इस प्रकार के संकेत आपको ईश्वर की कृपा से ही मिल रहे होते हैं। अगर लंबे समय से चल रहे खर्चे या उधार देनदारी कम होने लगते हैं, ये संकेत है धन के नए स्रोत आने का।
मतलब आपको कई जगह से नई कमाई शुरू होने वाली है। घर में मां लक्ष्मी का आगमन होगा। छठवां संकेत, अचानक आपके घर पर किसी बहुत प्रिय व्यक्ति का आना। पूजा करते समय पूजा की थाली में फूल या चंदन का खुद से गिर जाना। आरती करते वक्त ऐसा प्रतीत होना कि भगवान की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही है। महिलाओं के बाएं और पुरुषों के दाएं अंग फड़कना बहुत ही शुभ माना जाता है। सुबह सुबह आप घर से निकले और आपको गौ माता के दर्शन हो जाएं या आपको किसी साधु संत या पुजारी का दर्शन हो जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आप जिस काम के लिए निकले हैं वह कार्य सफल होगा। आज हमने शुभ संकेतों के बारे में जाना। अगले वीडियो में जानेंगे कुछ और रोचक बातें। तब तक के लिए जय श्री राम। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही धार्मिक बातें जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी दबाना ना भूलें। दर्शकों, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।